Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class, we are going to do question answers and exercises of chapter My Early Home of your book Communicate with Cambridge. Let's start with exercise A given on page number 18. Choose the right options to answer these questions. Share your answers with your partner. Work in pairs and revise the chapter before checking each other's. आंसर्स एक स्टेटमेंट है और उसके चार ऑप्शन है आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है लेट्स डू इट फर्स्ट वन इज वट डिड द कोल्ड मदर डू एज सून एज ही वॉज एबल टू ईट ग्रास एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी शी वेंट आउट टू वर्क सेकेंड नंबर वट डिड द मास्टर कॉल द कोल्ड एंड हिज मदर एंड द राइट आंसर इज ए डाकी एंड

They used to stand by the the pond in the shade of the trees. और जब गर्मी होती थी तो वो तालाब के किनारे पेड़ की छाया में खड़े हो जाते थे एंड वेन इट वॉज कोल्ड और जब ठंडा मौसम होता था दे हैड नाइस shed नियर द प्लांटेशन तो फिर वो प्लांट्स के किनारे खेतों के किनारे एक गर्म शेड में खड़े होते थे क्वेश्चन नंबर टू वट डिड द डू इन द मीडो विद द सिक्स यंग कोल्ड मीडो में घास के मैदान में यंग छोट के साथ क्या करता था आंसर इज द वुड रन एंड गैलप अराउंड द फील्ड कोल्ट जोर जोर से भागता था खेतों के किनारे समाइम्स दे वुड बाइट एंड किक और कभी कभी वो एक दूसरे को काटते थे और किक भी मारते थे लात भी मारते थे क्वेश्चन थ्री वॉट डिड द कोल्टे टू से अबाउट देयर मास्टर कोल्ट का अपने master, यानी अपने मालिक के लिए क्या कहना था आंसर इज द कोल्ड सेट दैट देयर मास्टर वॉज अ गुड एंड काइंड मैन कोल्ड का कहना था कि उनके जो स्वामी है उनके जो मालिक थे वो बहुत ही दयालु और अच्छे व्यक्ति थे Who gave them good food, जो उन्हें अच्छा खाना देते थे लॉजिंग अच्छा रहने का स्थान देते थे and spoke to them kindly, और उनसे अच्छे से बातें भी करते थे स्टेटमेंट दी हुई है और आपको उसका कारण बताना है फर्स्ट इज द हॉर्सेस लाइक द मास्टर घोड़े अपने स्वामी को पसंद करते थे हॉर्से लाइक द मास्टर बिकॉज ही वॉज गुड टू दे अपने स्वामी को अपने मालिक को पसंद करते थे क्योंकि वो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था मदर से कोल्ट वॉज वेल ब्रेड माँ ने कहा कि कोल्ट बहुत अच्छी नस्ल का है आंसर इज द कोल्ट वॉज वेल ब्रेड बिकॉज ही हैड अ गुड अप्रिंगिंग कोल्ट अच्छी नस्ल का है ऐसा माने कहा था क्योंकि उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी नंबर द मास्टर कॉल्ड द मास्टर कोल्ट को डाकी बुलाता था क्यों आंसर इज द मास्टर कॉल्ड द कोल्ट डाकी बिकॉज ऑफ इस डल ब्लैक कलर मास्टर कोल्ट को डाकी बुलाता था क्योंकि उसका गहरा काला रंग था जिसकी वजह से वो उसे डाकी कहता था फोर्थ द हॉर्सेस डिड नॉट माइंड टिक मच घोड़ों को डिक की बात का ज्यादा बुरा नहीं लगता था आंसर इज द हॉर्सेस डिड नॉट माइंड डिक बिकॉज दे वर एबल टू गैलप ऑफ घोड़ों को डिक की बात बुरी नहीं लगती थी उसका मारना क्योंकि इसकी वजह से वो गैलप यानी तेज दौड़ पाते थे नेक्स्ट The master was angry with Dick. Malik, Dick se naraz tha. Kyun? Answer is, the master was angry with Dick because he threw stones at the coals. Master, Dick se naraz tha Kyun ki wo coals par pathar fekta tha. Next, we are going to do exercise D, think and answer. Question 1, describe the surroundings in which black beauty lived. Give one word for it. आपको उस सराउंडिंग का वर्णन करना है जहां पर ब्लैक ब्यूटी रहता था ब्लैक ब्यूटी जहां रहता था वहां के आसपास का वातावरण कैसा था वहां क्या था आसपास आंसर इज ही लिव इन अर्ज फील्ड विच हैड अड विथ क्लियर वॉटर इन इट वो बड़े से मैदान में रहता था जहां पर एक तालाब था जिसका साफ पानी था ऑन वन साइड ऑफ इट वॉज अ प्लॉट फील्ड और उसके एक तरफ जुते हुए खेत थे यानी जहां खेती होती थी एंड द अदर साइड वॉज द मास्टर्स हाउस और दूसरी तरफ उसके मालिक का घर था द टॉप हैड अ प्लांटेशन ऑफ फर ट्रीज और उसके ऊपरी किनारे पर देवदार के वृक्षों का खेत था बॉटम हैडिंग उसके निचले हिस्से में बहती हुई नदी थी जिसके किनारे गहरे थे क्वेश्चन नंबर टू हाउ कैन वी टेल दैट ब्लैक ब्यूटी बिलोंग्स टू अ गुड ब्रीड ऑफ हॉर्सेस ये हम कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक ब्यूटी अच्छी नस्ल के घोड़ों से संबंध रखता था

His grandmother had the sweetest temper of any horse, और उसकी ग्रैंडमदर का किसी भी घोड़े से मुकाबले में बहुत अच्छा स्वभाव था। His mother never kicked or bite anyone, और उसकी माँ ने कभी किसी को ना ही काटा था और ना ही किक किया था, लात मारी थी। So students, we have completed all the exercises, exercise A, B, C. and d of this chapter i hope you have understood all the question answers if you like the video then don't forget to press on like button share this video with your classmates and friends and don't forget to subscribe my channel see you soon till then bye-bye have a good day